program to display all factors of given numbers. Suppose that we are having some numbers at any number like 10. 10 के केसेस में डिस्प्ले क्या कराना है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 10. सबसे पहले 10 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से. 10 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0. देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10. सब सॉरी, इस केस में स्टार्टिंग कहां से करेंगे, फ्रॉम 1. अगर 10 को 1 से डिवाइड करें, 1 क्या, 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और 1 परफेक्टली डिवाइडेड 10, देयरफॉर 1 इज अ फैक्टर ऑफ 10. नेक्स्ट पॉइंट 2, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भी सक्सेसफुली डिवाइड हुआ, इसलिए 2 भी क्या, 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 10. नेक्स्ट वन चेक करेंगे 3 से, 3 से 10 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10. नेक्स्ट वन 4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भी डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10. नेक्स्ट वन 5, 5 से डिवाइड हुआ, 6 से डिवाइड करें, 6 से 10 को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, 6 7 8 9. देन अगर 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना पॉसिबल, इसलिए 10 के केस में बात करें, 10 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स. मींस 1 से कहां तक चेक करें, 1 से लेकर n तक और 10 तक. अगर 12 के केस में चेक करना है, 12 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, देयर आर 1. मींस किसी भी नंबर का एटलीस्ट कितने फैक्टर एग्जिस्ट करें, देयर आर 2 फैक्टर्स, 1 और नंबर इटसेल्फ, मींस 1 और 12 इन दैट केस. इस केस में 2 से भी डिवाइड करना पॉसिबल है, देयरफॉर 2 भी क्या होगा, इस केस में 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 12, 4, 4 से भी 12 को डिवाइड करना पॉसिबल, इसलिए 4 भी क्या है, 4 इज आल्सो वैलिड फैक्टर ऑफ 12. देन 5, 5 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, लेकिन 6 के केस में क्या, 6 के साथ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12. एंड 7 8 9 मींस हाफ से बड़ा नंबर कभी, मींस हाफ से बड़े नंबर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, एक्सेप्टिंग नंबर इटसेल्फ. देन 6 के बाद नेक्स्ट वन क्या रहेगा, ओनली 12. मीन्स 10 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 4. 12 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं, देयर आर 6 फैक्टर्स. इस टाइप से मीन्स रैंडमली रन टाइम पर कीबोर्ड से कोई भी नंबर एंटर कराना, नंबर एंटर कराने के बाद चेक क्या करना है, डिस्प्ले कराना ऑल वैलिड फैक्टर्स. केस में सिंपली क्या करना है, मीन्स नंबर, सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर n, एंटरिंग सम नंबर n, n को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, नेक्स्ट टाइम 2 से, नेक्स्ट टाइम 3 से, नेक्स्ट टाइम 4 से, अप टू n itself. इस कब तक डिवाइड करेंगे, अप टू n itself. प्लस एवरी टाइम डिवीजन के साथ साथ चेक क्या करेंगे बार बार, सपोज दैट इन नंबर ऑफ इटरेशंस 1 2 3 4 5 लाइक दैट. इन नंबर से जनरेट किसके थ्रू करा, बाय यूजिंग सम इटरेटिव वेरिएबल i. एवरी टाइम नंबर को डिवाइड किससे कराएंगे, इफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय वैल्यू ऑफ i. i मींस 1 2 3 4 एनी नंबर्स. अगर i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला देना, इसके नंबर कैसा, यस नंबर इज डिविजिबल बाय i, इसलिए i क्या होगा, i इज अ फैक्टर ऑफ n. दिस इज द लूप. मींस इस केस में सिंपली रिक्वायर्ड क्या, लूप एंड इफ कंडीशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इस केस में वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, ओनली 2 वेरिएबल्स, n एंड i. इंटीजर n इज अ रिक्वायर्ड नंबर एंड i इज अ इटरेटिव वेरिएबल्स. देन नेक्स्ट वन रीडिंग वैल्यू ऑफ n यूजिंग कीबोर्ड, एंटर नंबर, नंबर एंटर करने के जस्ट बाद देन नंबर्स को रीड करने के लिए यूज करें सिंपली स्कैन एफ फंक्शंस, सेम एज प्रीवियस प्रोसेस. नंबर्स को रीड करने के जस्ट बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड स्टेप क्या, मैनेजिंग लूप्स. इस लूप को कहां से कहां तक मैनेज करना, 1 से लेकर नंबर इटसेल्फ. इसलिए लूप के केस में आई का इनिशियलाइजेशन भी किससे कराना है, 1 से, अप टू i लेस देन इक्वल्स टू n. इक्वल्स टू इसके बिकॉज नंबर भी इस केस में काउंट होगा. डिफरेंस कितने का, एवरी टाइम 1 का, i प्लस प्लस. नेक्स्ट वन इफ अप्लाइंग इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के बेसिस पर टेस्ट करेंगे. अगर नंबर i से डिवाइड करने पर, i से डिवाइड करने का मीनिंग क्या, फर्स्ट टाइम i वैल्यू क्या होगा, 1, फर्स्ट टाइम में किससे डिवाइड होगा, 1 से, नेक्स्ट टाइम 2 से, नेक्स्ट टाइम 3 एंड अप टू n. अगर i वैल्यू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो नंबर कैसा हो, डिविजिबल. इस केस में डिस्प्ले क्या करा लेंगे, सिंपली वैल्यू ऑफ करंट वैल्यू ऑफ i, बिकॉज इस केस में अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या है, नंबर इज मल्टीपल ऑफ i, इसलिए डिस्प्ले क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ i. दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम. नेक्स्ट वन, देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स. नेक्स्ट थिंग्स, इसको टेस्ट करना, सपोज दैट रन टाइम पर n का वैल्यू एंटर किया है,
if n is entered as 12, अगर n का वैल्यू 12 एंटर किया था, इसके साथ जस्ट लूप जब स्टार्ट होगा, लूप के केस में इनिशियली i वैल्यू क्या है 1, दिस इज द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, करंटली i का इनिशियल वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ i इज 1, इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएंगे, कंडीशन क्या है, जस्ट 1 मींस i लेस देन इक्वल्स टू 12, बिकॉज़ n वैल्यू क्या करंटली 12, I का करंट वैल्यू 1 है, इसलिए कंडीशन किससे टेस्ट कराएं, 1 से, 1 लेस देन इक्वल्स टू 12, कंडीशन इज ट्रू, मींस इसको मैं सीक्वेंस दे रहा हूं, समथिंग सीक्वेंस टू, देन थर्ड केस में इफ कंडीशन टेस्ट होगा, नंबर क्या है इस केस में 12, मींस 12 का डिवीजन किससे कराना है, 12 मॉडुलो i इक्वल इक्वल 0, चेक इट, i वैल्यू करंटली क्या फाउंड हो रहा है, i वैल्यू इज 1, 12 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस करेगा, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू देन डिस्प्ले का प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ i, करंटली i वैल्यू 1 है, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में 1, देन फिफ्थ केस में परफॉर्म क्या हुआ, i प्लस प्लस, नाउ i बिकम्स 2, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, 2 लेस देन इक्वल्स टू 12, अगेन i के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे 2, 2 से डिवाइड करने पर चेक करेंगे, मींस रिमाइंडर क्या, अगेन 2 से 12 सक्सेसफुली डिवाइड हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर अगेन 0 मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वैल्यू ऑफ i इज 2, नेक्स्ट केस, मींस यहां सीक्वेंस में मैनेज नहीं कर रहा हूं, लेंथी प्रोग्राम है, नेक्स्ट वन, 2 डिस्प्ले होने के बाद अगेन i प्लस प्लस होगा, तो i वैल्यू क्या जाएगा इस केस में 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 12, अगेन 4 कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन इफ कंडीशन टेस्ट होगा, n, n का वैल्यू 12 ही रहेगा एवरी टाइम, नेक्स्ट लेकिन i वैल्यू क्या है 3, 3 से डिवाइड करने पर अगेन क्या मिला, रिमाइंडर इज 0, बिकॉज 12 3 से सक्सेसफुली डिवाइड करना पॉसिबल है, अगेन प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ, डिस्प्ले क्या हो जाएगा 3 इटसेल्फ, नेक्स्ट थिंग्स i प्लस प्लस होने पर i वैल्यू क्या हो जाएगा 4, अगेन कंडीशन टेस्टिंग 4 लेस देन इक्वल्स टू 12, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होने पर नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या हुआ, मींस बॉडी ऑफ लूप, बॉडी के केसेस में i के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे 4, 12 4 से भी डिवाइड करना पॉसिबल, इसलिए रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, देन डिस्प्ले क्या हो जाएगा 4 इटसेल्फ, i प्लस प्लस हो, i वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 12, कंडीशन इज अगेन ट्रू, मींस ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा, जब तक i वैल्यू 12 नहीं हो जाता, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 6 7 8 9 11 और 12, इस केस में इनसे सारे कंडीशन ट्रू होंगे, लेकिन ये सारे सभी केस में सभी नंबर से एवरी टाइम डिवाइड क्या हो रहा है 12, 12 डिवाइड बाई 6, 12 डिवाइड बाई 7, 12 डिवाइड बाई 8, 12 डिवाइड बाई 9, 12 डिवाइड बाई 11 एंड 12, मीन 6 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 6 भी डिस्प्ले होगा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 12 से डिवाइड हुआ इसलिए डिस्प्ले क्या हो 12, नेक्स्ट टाइम जब आई वैल्यू 13 हो जाएगा लास्ट में, देन कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, फाइनली इस केस में फैक्टर क्या डिस्प्ले होंगे इसके 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, सेम एंड नेक्स्ट सिमिलर टाइप का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन, मीन्स व्हाट इज द डिस्प्ले ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, नेक्स्ट मीन्स अभी इस केस में क्या डिस्प्ले कराएं ऑल फैक्टर, लेकिन नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले कराएं ओनली प्राइम फैक्टर।